हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना चैनल आज ही कार रिव्यू। तो भाई बुलेरो हमारी सब महिंद्रा की सक्सेस गाड़ी थी और कुछ लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद बुलेरो के बाद क्या होता था ना, बुलेरो में थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि मल्टीपर्पज़ यानी कि जो शहर वाले लोग थे उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, वो लेना प्रेफरेंस नहीं देते थे। तो महिंद्रा ने भी अपना जलवा दिखाया और बुलेरो न्यू के नाम से गाड़ी न्यू लॉन्च करी, जो कि अब हर इंसान इसे पसंद भी करता है और लेना भी चाहता है। आई सिटी में भी या गांव में भी हर जगह देखने को आपको इजीली मिल जाएगी। तो भाई हमारे सामने खड़ा हुआ टॉप एंड ब्रांड का N8, जो कि आपको आदमी कलर में देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप से लुक प्रोवाइड करा रहा है रियर प्रोफाइल से। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो वही आपको 1.5 लीटर 100 BHP पावर के साथ देखने को मिलता है। और जो इसका टॉर्क वगैरह है वो आपको 260 Nm देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको इसमें 180 Mm का देखने को मिलता है। अगर बात की जाए भाई 4 सिलेंडर में आपको इंजन देखने को मिलता है। एक्सरूम जो है 11,36,000 रुपये एक्सरूम कॉस्ट करता है ये। तो अपने प्राइस रेंज में देखी जाए तो आपको 7 सीटर गाड़ी देखने को मिल जाती है, जो कि सफिशियंट है 1.5 लीटर इंजन के साथ में आपको कुछ स्टाइल से लुक भी प्रोवाइड कराती है, लुक भी आपको प्रॉपर SUV वाला प्रोवाइड कराती है। तो बात कर लेते हैं फटाफट फीचर्स की। तो पीछे से आपको कुछ स्टाइल से लुक प्रोवाइड कराती है, ऊपर आपको स्पॉइलर देखने को मिलता है, N10 की बैजिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, रिफ्लेक्टर बम्पर में देखने को मिलते हैं और 2 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। और नीचे बम्पर के नीचे आज जो है आपको टेपिंग वाला काम किया हुआ देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है। ऊपर आपको यहाँ पे बुलेरो न्यू की बैजिंग देखने को मिलती है और आपको हैंडल जो है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टेल लाइट्स जो है हैलोजन में देखने को मिलती है। यहाँ पर रियर वाइपर डिफॉगर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सिटिंग एरिया देखने को मिलता है, जो कि आप आराम से बैठ सकते हैं। मतलब बहुत लॉन्ग रूट पे तो आप नहीं बैठ पाएंगे, बहुत बड़ा इंसान जो है वो नहीं बैठ सकता है, वैसे कंफर्टेबल सीट आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसे नीचे गिराएंगे तो ये बंद हो जाएगी, बूट बनाना है आप इसको आराम से ऊपर कर जाइए। और महिंद्रा ने एक अच्छा काम इसके लिए और भी किया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला डोर जो है, ये वाला इसका शीशा है वो आपका ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बैठने वाले के लिए वेंटिलेशन सफोकेशन वाला फील होता था, उसके लिए आपके वेंटिलेशन के लिए ये जो शीशे हैं वो आपको इजीली खोल सकते हैं, जिससे वेंटिलेशन बना रहता है, पीछे बैठने वाले को दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे आपको एक पॉकेट भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप उसमें कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ऊपर देखें तो आपको रूम लाइट भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है ग्रैब बैग हैंडल देखने को मिलेगा। तो महिंद्रा मतलब अगर बात करें तो पूरा दिमाग लगाया है, किसी भी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं गई है। अगर बात करते हैं एक बार इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर से पहले चलते हैं इसके एक बार फ्रंट लुक में। तो फ्रंट लुक जो है आपको कुछ साइड से देखने को मिल जाता है इसका, जो कि है आपको वही फॉग लैंप देखने को मिलता है, बॉडी कलर बम्पर देखने को मिलता है, बम्पर ग्रिल जो है वो आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है क्रोम का काम किया वो देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ हैलोजन में लाइट्स यहाँ पे DRL देखने को मिलती है और कॉर्निंग फंक्शन भी आपको इस लाइट्स के साथ देखने को आपको मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर आपको एंटीना देखने को मिलेगा और जो है कुछ इस टाइप से साइड प्रोफाइल में अलॉय व्हील सिल्वर कलर के आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो लाइनिंग दी गई क्लाइडिंग जो है वो आपको पीछे वाले फेंडर तक देखने को मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर येलो कलर में आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा फेंडर पे। ऊपर देखें तो आपको बॉडी कलर के साथ आपको डोर ये जो RBM है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ वाला नीचे वाला पोर्शन जो है वो ब्लैक कलर से देखने को मिलता है। डोर हैंडल जो चारों हैं वो आपको बॉडी कलर देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे। और फुटरेस्ट जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और डोर अगर ओपन करते हैं तो डोर जो है कुछ इस टाइप से कलर में देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो भाई इसके इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इस टाइप से आपको इसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको स्टीयरिंग व्हील है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, ऑडियो स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल, एक एयरबैग और महिंद्रा का नया वाला लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छा लुक प्रोवाइड कराते हैं। देन बात करें इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो कैनबोर्ड का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप से लुक आपको प्रोवाइड करा रहा है। हजार लैंप का स्विच यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो हल्का ग्रे या सिल्वर कलर का आप कॉम्बिनेशन कह सकते हैं पियानो ब्लैक के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है। नीचे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे EQAC और AC का ऑप्शन देखने को मिलेगा। USB पोर्ट चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर छोटा सा स्पेस, गियर नॉब जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विच, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिल जाता है, पीछे एक बोतल होल्डर, कुछ इस टाइप से इसका कंसोल जो है वो आपको देखने को मिलता है। फैब्रिक में सीट देखने को मिलती है और जो आप देखेंगे डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। IRBM जो है डे एंड नाइट फीचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। देन आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। माइक के प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रूम लाइट आपको हैलोजन में देखने को मिल जाती है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इसकी, तो कुछ इस टाइप से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिल जाता है। अगर ऑन करूँ आपको तो कुछ इस टाइप से आपको
ये देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बोलेरो की बैजिंग देखने को मिलती है और इसमें आपको TPMS जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो ये है अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है, अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे की जो है आपको दो देखने को मिलती है, जिसमें आपको एक में रिमोट और दूसरे में नॉर्मल देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस टाइप से आपको पूरा लुक इंटीरियर का प्रोवाइड कराती है। और पीछे वाली सीट्स की बात की जाए तो आपको इसमें बीच में आपको हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है वो आपको साइड में देखने को मिलेंगे जो एडजस्टेबल हैं। बीच में आपको हैंडरेस्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। पीछे के लिए आपको पावर विंडो के स्विच देखने को मिल जाएंगे, ऊपर आपको ग्रैबर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रही इसकी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।